कनाडा की सरजमी पर कैनेडियन सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर, जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित किया था, उसकी हत्या अब एक अलग मोड़ ले रही है। बिना सबूतों के ही जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये दावा कर दिया कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ था। भारत ने आरोपों से किनारा कर लिया, लेकिन इन दोनों देशों के बीच बड़े विवाद में अमेरिका क्या कर रहा है, यूएसए का स्टैंड क्या है और इसका भारत और अमेरिका के रिश्ते पर क्या असर पड़ने वाला है, ये जानना जरूरी हो जाता है। यूएसए भारत के साथ व्यापार करने वाला सबसे बड़ा देश है और ये भी साफ है कि ये रिश्ता कनाडा भारत व्यापार से कहीं ज्यादा बढ़कर है। मोदी सरकार से असहमति रखने वाले सिखों के खिलाफ अमेरिकी धरती पर भारत की कोई भी ऐसी हरकत दोनों देशों के बीच दरार पैदा कर सकती है, क्योंकि वे चीन से लड़ने के लिए गठबंधन तैयार कर रहे हैं। कनाडा भारत विवाद को लेकर अमेरिका शांत जरूर है, लेकिन पूरी तरीके से एक्टिव भी है। अमेरिका से मिक्स स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं। नए इंटरसेप्ट की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक तो अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI ने कुछ अमेरिकी सिखों को जून में चेतावनी भी दी थी कि उनकी जान को खतरा है। किससे खतरा है ये ना ही उन्होंने बताया और ना ही किसी को पता है। तो क्या ये खतरा भारत से जुड़ा था? जिन सिख अमेरिकियों को धमकियां मिली है उनका कहना है कि वे डरे हुए नहीं है, लेकिन वे चाहते हैं कि अमेरिकी सरकार उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए और पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली आक्रामक और सत्तावादी भारतीय सरकार के खिलाफ उनके साथ खड़े हों। अमेरिकी सिख के मुताबिक अगर भारत कनाडाई लोगों को निशाना बना सकता है तो अमेरिकी अगले होंगे। ये हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करता है, व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता को कम करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देता है। बाइडेन प्रशासन से हम तत्काल समर्थन की उम्मीद करते हैं, लेकिन बाद में हम कोई सहानुभूति और प्रार्थना नहीं चाहते। कनाडा में मौजूद अमेरिकी राजदूत ने कहा कि कनाडा ने जो जानकारी दी है वो खुफिया डेटा पर आधारित थी। अब FBI भी एक्टिव दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही के दिनों में कई कनाडा के उग्रवादियों से FBI ने मुलाकात की है। FBI ने उन खालिस्तानी उग्रवादियों को चेतावनी दी है कि निज्जर की तरह उनकी भी हत्या हो सकती है। अमेरिकन सिख कॉकस कमेटी के समन्वयक प्रीतपाल सिंह के मुताबिक निज्जर के मारे जाने के बाद उन्हें और कैलिफोर्निया में दो अन्य सिख अमेरिकियों को FBI से फोन आए और उनसे मुलाकात की गई। उन्होंने कहा कि FBI एजेंट ने ये नहीं बताया कि हमें खतरा किससे है, लेकिन सावधान रहने के लिए कहा। दो अन्य सिख अमेरिकियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि FBI एजेंटों ने उसी समय उनसे मुलाकात की थी जब वो प्रीतपाल से मिले थे। हालांकि FBI की तरफ से इस पर अभी तक कोई टिप्पणी सामने नहीं आई है। ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा काउंसिल के प्रवक्ता मोनिंदर सिंह ने भी यही बात दोहराई थी कि उन्हें भी निज्जर की हत्या से पहले ही FBI से यही वार्निंग मिली थी। कैलिफोर्निया स्थित एक गैर सरकारी संगठन इंसाफ के सह निदेशक सुखमन धामी ने भी यही बातें कही है। अब जानते हैं कि व्हाइट हाउस ने इस पूरे मामले पर अब तक क्या क्या कहा है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जिन पियरे ने कहा कि अमेरिका कनाडाई सरकार के साथ भी नियमित संपर्क में है। जिन पियरे ने अपने दैनिक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं से कहा, हमने भारत सरकार के साथ बातचीत की है। हालांकि हम साफ तौर पर निजी राजनयिक बातचीत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हाँ, भारत सरकार में अपने सहयोगियों के साथ हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा, निश्चित तौर पर हम अत्यंत चिंतित हैं, इसीलिए हम कनाडा की सरकार और कनाडा के साझेदारों के साथ नियमित संपर्क में हैं। सवालों के जवाब में जेन पियरे ने साफ कहा कि वो राजनयिक बातचीत पर टिप्पणी नहीं करेंगी। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोपों की जांच करने के कनाडा के प्रयासों का समर्थन करता है। उसने साथ ही ये भी कहा था कि किसी भी देश को इस तरह की गतिविधियों के लिए कोई विशेष छूट नहीं मिल सकती। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिका अपनी जांच में कनाडा का सहयोग कर रहा है। वहीं एक और बयान में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने कहा कि भारत के पास न्यायतर हत्याओं जैसी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए विशेष छूट नहीं है। कनाडा ने अभी तक अपने दावों के बारे में कोई सबूत नहीं दिए हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक सिख अलगाववादी नेता की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोप इंसानी और खुफिया जानकारी ऑक ओटावा के 5 आईज खुफिया नेटवर्क के एक सहयोगी देश से मिली कॉन्फिडेंशियल डेटा पर बेस्ड है और अक्सर ऐसी इंफॉर्मेशन गलत नहीं होती है। इसीलिए अमेरिका भी इस मामले पर चिंतित है और एक्टिव भी।
ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा परिषद की प्रवक्ता मोनिंदर सिंह कहते हैं कि रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस के एजेंटों ने अपनी मीटिंग में निज्जर को विशेष रूप से जोखिम में बताया था, क्योंकि भारत से सिखों की आजादी की वकालत करने वाले अभियान के वो एक प्रमुख व्यक्ति थे। बता दें, साल 2020 में भारतीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसके राजनीतिक कामों को सिखों को अलगाव के लिए वोट करने, भारत सरकार के खिलाफ आंदोलन करने और हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए उकसाने की कोशिश के रूप में चिन्हित किया था। बाद में उसे आतंकवादी भी घोषित कर दिया गया था। निज्जर के लंबे समय से दोस्त रहे सिंह ने कहा, मैं हर बैठक से पहले और बाद में उनसे बातचीत करता था। मुझे फादर्स डे के बाद सोमवार की सुबह फिर से उनसे मिलना था, लेकिन एक रात पहले उनकी हत्या कर दी गई। मोनिंदर सिंह इस बात पर बातचीत करते हैं कि निज्जर को कैसे भारतीय प्रेस और सोशल मीडिया पर एक आतंकवादी के रूप में दिखाया गया। उन्होंने कहा कि निज्जर भारत में सिख अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके राजनीतिक आत्मनिर्णय के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थे, लेकिन उनकी ऐसी इमेज बनाई गई कि उसकी मौत पर जश्न मनाया गया। जानकारी की माने तो हाल के सालों में खालिस्तान आंदोलन से जुड़े कई सिख सदस्यों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। इनमें ब्रिटेन में एक सिख कार्यकर्ता अवतार सिंह खांडा भी शामिल है। 2022 में रिपुदमन सिंह मलिक नाम के एक 75 साल के सिख कैनेडाई व्यक्ति, जिसे एयर इंडिया बमबारी में शामिल होने से बरी कर दिया गया था, उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया में उसके दफ्तर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन आरोपों की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि भारत सरकार हाल ही में सिख प्रवासी कार्यकर्ताओं की मौतों या उनके खिलाफ धमकियों में शामिल था, लेकिन निज्जर की हत्या की कनाडा की जांच एक बड़े पैटर्न को हाईलाइट करने का काम करती है। भारत ने इन आरोपों को बेतुका जरूर बताया है, लेकिन अगर निज्जर और बाकी हत्याओं के तार भारत से जुड़ते हैं तो ये सिर्फ कनाडा भारत ही नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्ते पर भी असर करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।